नमस्कार दोस्तों, गिकी रिकी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो शार्प का 50UA6800X मॉडल है उसका लाइव फीचर क्वालिटी टेस्ट लाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका बजट लगभग में 70,000 रुपये है, अगर आपको एक UHD एंड्रॉयड LED को टीवी चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली शार्प का जो 50UA6800X मॉडल है दोस्तों, वो मैं आपको प्रीफर करता हूँ। दोस्तों, इस टीवी की खासियत यही है कि आपको साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी के मामले में बहुत ही बेहतरीन टीवी है। इस टीवी की खासियत बताओ दोस्तों, तो इसके जो पिक्चर कलर्स होते हैं दोस्तों, एकदम नेचुरली आपको मिलते हैं और एकदम अच्छे शार्पर कलर आपको मिलते हैं। अगर आप इसका कंपेरिजन सोनी सैमसंग से करोगे दोस्तों, तो इसका क्वालिटी सोनी सैमसंग से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसका 3 times आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा पिक्चर और साउंड क्वालिटी में सोनी सैमसंग से। जो शार्प का 50UA6800X मॉडल है दोस्तों, एक UHD एंड्रॉयड LED है। अगर आपको इस टीवी को लेना है दोस्तों, तो आप इस टीवी को ले सकते हो। आज मैं इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको बताना होगा दोस्तों, तो इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी आपको कैसा लगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जो पहला गिकी रामू का चैनल था दोस्तों, उस पर लगभग 4,800 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, इतना आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया मेरे चैनल को और मेरे 4,800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। पर दोस्तों, जो गिकी रामू का चैनल था दोस्तों, उसका पूरा कंट्रोल मेरे से जा चुका है, क्योंकि उस चैनल का जो मेरा ईमेल आईडी था दोस्तों, वो डिलीट हो गया है, इसलिए पूरा कंट्रोल मेरे हाथ से जा चुका है। और दोस्तों, मैं आप सभी को माफ़ी मांगता हूँ कि उस चैनल पे मैं वीडियो नहीं डाल सकता, पर आप सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं जो गिकी रामू चैनल पे वीडियो देखते हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गिकी रिकी का चैनल है दोस्तों, वो भी गिकी रामू का ही चैनल है दोस्तों। तो प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस गिकी रिकी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आप अगर मेरे इस चैनल को सपोर्ट करोगे दोस्तों, तो आप सभी के लिए मैं इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर लाते रहूँगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि मैंने आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछते हो दोस्तों, उसके पूरे आंसर आपको डीपली एंड क्लियरली मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पिक नहीं करता हूँ या किसी का आंसर देता नहीं दोस्तों, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 20 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 1,000,000 सब्सक्राइबर हो, सभी सब्सक्राइबर्स मेरे लिए एक समान है, एक फैमिली जी की तरह ही है। दोस्तों, मैं वही करता हूँ कि आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे गिकी रिकी के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इस माध्यम से मैं आप सभी के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं टीवीज़ के रिगार्डिंग, LEDs के रिगार्डिंग या मोबाइल के रिगार्डिंग, सभी में वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे गिकी रिकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जी वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा तभी आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर आपको कंटेंट भी अगर आपने पूरा सजा वजा के रखा है, अगर आपको उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वीडियो आप सबके सभी के लिए कुछ काम का नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे गिकी रिकी चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये शार्प का जो 50UA6800X मॉडल है उसका लाइव पिक्चर क्वालिटी देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए। Thank you.
जैसा कि दोस्तों आप सभी ने लाइव साल का लाइव पिक्चर क्वालिटी टेस्ट तो देख लिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कैसा लगा है। और दोस्तों जो मैंने साल का लाइव पिक्चर क्वालिटी टेस्ट का वीडियो शूट किया था दोस्तों, मैंने रेडमी नोट 5 प्रो के मोबाइल से शूट किया था, इसलिए आपको कलर थोड़े डार्क आ जाएंगे या कलर आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे। पर दोस्तों मैं रियलिस्टिक बताऊँगे कि अगर आप इस टीवी को सामने से देखोगे तो इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी दोस्तों आपको मदहोश कर देगा। इसकी पिक्चर क्वालिटी से आपकी नज़र हटेगी नहीं, क्योंकि इसके जो कलर्स होते हैं दोस्तों, एक्चुअल में जो कलर्स इसके एक्यूरेट इतने अच्छे दिखाई देते हैं दोस्तों। जो भी आप कलर ले लीजिए, जैसे कि मैं सोनी सैमसंग की बात करता हूं दोस्तों, उसमें कलर्स का सोनी का जो थोड़ा ब्राइटर कलर आता है और सैमसंग का थोड़ा डार्कर कलर आता है। पर दोस्तों जो शार्क का जो 50UA6800d का लाइव पिक्चर क्वालिटी से आपने देखा होगा, तो उसमें जो कलर्स होते हैं दोस्तों बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही शार्प कलर मिलते हैं, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी टीवी देखने में बहुत ही मजा आएगा और आप पूरे पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको थोड़ा भी अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा है, या आपने 70,000 रुपये एक टीवी के लिए डाले हैं तो आपने बेकार में डाल दिए। मैं आप सभी को 100% वारंटी देता हूँ कि लाइव शार्प का जो लाइव पिक्चर क्वालिटी आपने देखा दोस्तों, उसका पिक्चर क्वालिटी मैंने रियलिस्टिक में देखा हुआ मेरे आंखों से दोस्तों, एकदम ही बेहतरीन टीवी है दोस्तों। मैं इसको 10 में से 12 नंबर दूंगा, क्योंकि लाइव पिक्चर क्वालिटी में दोस्तों इसका जो कलर था और जो इसका रिफ्रेश रेट था बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। आप सभी जानते होंगे कि शार्प एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो शार्प ने बीच में अपना कुछ LED बनाना बंद कर दिया था, उसके बाद में उन्होंने वापस से एक एंट्री की है बाज़ार के अंदर, और इतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी फर्स्ट टाइम मैंने दोस्तों इस शार्प की LED के अंदर देखा हुआ है। मैं इतने दिनों से लाइव पिक्चर क्वालिटी में सोनी का कंपेरिजन किसी भी TV से नहीं कर पाया हूँ, पर अभी सोनी को टक्कर देने के लिए शार्प का TV बाज़ार में आ चुका है। तो मैं आप सभी को 100% सॉरिटी से कह सकता हूँ कि जो शार्प का लाइव पिक्चर क्वालिटी दोस्तों वो सोनी और सैमसंग से कहीं ज़्यादा लाख गुना बेहतर है। तो अगर आपका बजट लगभग में 70,000 रुपये है, अगर आपको एक UHD स्मार्ट एंड्रॉयड LED लेना है दोस्तों, तो मैं सबको शार्प का 50UA6800 प्रीफर करता हूँ। इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी दोस्तों इतना बेहतरीन है कि क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में तो दोस्तों इसका लाजवाब है। और इसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करो दोस्तों, तो स्मार्ट कनेक्टिविटी भी आपको इसके में लाख गुना अच्छी मिलती है। तो अगर आपका बजट लगभग में दोस्तों लगभग में 70,000 रुपये है, अगर आपको एक स्मार्ट LED लेना है 50 इंच का UHD स्मार्ट LED, तो आप शार्प के जो 50UA6800X मॉडल को प्रीफर कर सकते हो। लाइव पिक्चर क्वालिटी के मामले में, लाइव स्मार्ट कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा TV है। इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लो दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 4 HDMI का स्लॉट मिल जाता है, 3 USB का स्लॉट मिल जाता है, RJ45 का केबल पोर्ट मिल जाता है दोस्तों। तो इससे आप अपने मोबाइल से पूरा डिस्प्ले भी TV में वायरलेसली देख सकते हो। और इसके जो रिमोट है दोस्तों, रिमोट के अंदर आपको 4 सेल मिलते हैं। सभी रिमोट में आप देखते होंगे दोस्तों कि 2 सेल आते हैं, पर जो शार्प का जो स्मार्ट रिमोट है UA6800X का दोस्तों, इसके अंदर आपको 4 सेल मिलते हैं। 4 सेल मिलने के कारण दोस्तों इसमें आपको पावर की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आता है, इसकी जो सेंसर की कनेक्टिविटी होती है दोस्तों रिमोट की, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपको बजट लगभग में 70,000 रुपये है, अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्ट LED लेना है, तो शार्प का 50UA6800X UHD एंड्रॉयड स्मार्ट LED आप सभी को मैं प्रीफर करता हूँ। आप बेझिझक ले लीजिए इस TV को। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी इसका अच्छा नहीं लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको 110% लिख के देता हूँ कि जो शार्प का 50UA6800X का लाइव पिक्चर क्वालिटी दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है। अगर आपके घर पर HD का सेट टॉप बॉक्स है, अगर आपको इसके HD से सेट टॉप बॉक्स पर लगा के देखोगे दोस्तों, तो इसका जो कलर का एक्यूरेसी है या शार्पनेसर या कॉन्ट्रास्ट रेशियो दोस्तों, एज कम्पेयर टू अदर TV सबसे बेहतरीन है। लाख गुना आपको अच्छा इसका लाइव पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही प्रीफर करता हूँ, अगर आपका बजट लगभग में 70,000 रुपये है, अगर आपको कोई UHD एंड्रॉयड स्मार्ट LED लेना है, तो मैं आपको सोनी का LED प्रीफर नहीं करूँगा। मैं आपको शार्प का 50UA6800X का लाइव शार्प का LED में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में इस TV ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इसने सोनी को बीट कर दिया, सैमसंग को बीट किया और सभी को बीट कर दिया। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।